नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभी के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है तो इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। आज जे पांच खबर के बारे रउआ के जानकारी दिहल जाए, उनुकरा में पहला खबर बा लोकसभा चुनाव के पांचवा चरण के मतदान के लेखे। आजू पांचवा चरण खातिर मतदान भइल, जेकरा में बिहार के 5 गो और झारखंड के 3 गो सीट शामिल रहे। दो सरका खबर रही तेजस्वी यादव के लेखे, जे आजू चुनाव के बीच में फिर से बीजेपी और पीएम मोदी के लेके निशाना सधले। तीसर का खबर रही पवन सिंह के लेखे, जे एक नया इतिहास बनवले बाड़े, काह उ इतिहास रउआ सबके बतावल जाए। चौथा खबर रही बिहार से, जहां शिक्षक सब खातिर सरकार का एगो नयका ऐलान कइल गइल बा, जेकरा से अब रोजगारों बढ़ी। उही पांचवा खबर रही गर्मी के लेखे, दिल्ली में 47 डिग्री तक के तापमान पहुंच गइल बा, त उहें बिहार और झारखंड में बुरा हाल बा। ई सब पर विस्तार से बात हुई, चली त एक एक करके खबर के शुरुआत कइल जाए। आजू लोकसभा चुनाव के पांचवा चरण के मतदान रहे, जेकरा में 8 राज्य के 49 लोकसभा सीट पर मतदान भइल। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान करावे खाती 9,47,000 कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी पर तैनात कइल गइल। पांचवा चरण के लोकसभा चुनाव में बिहार के 5 सीट पर मतदान रहे। एह चरण में सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, अवरी, सीतामढ़ी लोकसभा के सीट पर मतदान भइल। सारण लोकसभा सीट से भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी और राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के बीच मुकाबला बा। उही रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से मैदान में बाड़े, चिराग के एनडीए के समर्थन बा। उनुकर मुकाबला राजद के शिवचरण राम से बा। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद अजय निषाद के टिकट रद्द करके रामभूषण निषाद के मैदान में उतार ले ब्या। टिकट ना मिलला से नाराज अजय निषाद भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गईलन। आ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़त बाड़न। बिहार के मधुबनी लोकसभा सीट के बात करत भाजपा एहिजा से बैठल सांसद अशोक यादव के मैदान में उतार ले ब्या। उनकर मुकाबला राजद के मोहम्मद फातमी से बा। हाजीपुर में चिराग पासवान खुद गाड़ी चला के मतदाता से भेंट कैले। ए दौरान चिराग पासवान कहले कि एनडीए बिहार के सब सीट जीत रहल बा, अवरी दावा करता रे कि हाजीपुर में भी उनुकर जीत पक्का बा। दूसरा ओर मतदान में गड़बड़ी के शिकायत रहे। सारण से एनडीए के उम्मीदवार आ सांसद राजीव प्रताप रूड़ी मतदान के दौरान गड़बड़ी के शिकायत कर ले बाड़ा। बूथ पर गड़बड़ी के लेके लिखित शिकायत दर्ज करवले बाड़े। मधुबनी में पुलिस एगो युवक के नकली वोट डाले के आरोप में हिरासत में लिहले बा। दूसर तरफ पांचवा चरण में झारखंड के 3 संसदीय सीट यानी चतरा, हजारीबाग, अवरी, कोडरमा पर मतदान भइल। छठवां चरण के मतदान 25 मई के हुई। जवना के तहत 7 राज्य में 57 सीट पर मतदान हुई। 4 जून के चुनाव परिणाम घोषित हो जाए। पांचवा चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी पर एक बार फिर विपक्ष के हमला भइल बा। पीएम मोदी के बिहार यात्रा से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम से कुछ सवाल पूछ ले बाड़े। तेजस्वी यादव पीएम मोदी आ भाजपा पर हमला बोल दिहलन। उ सीधे पीएम मोदी से पूछ ले कि 10 साल में बिहार से किले को वादा भी काहे ना पूरा कर पवनी। संघी सवाल उठल बा कि बिहार के विकास खाती सरकार के का योजना बा। संघी इहो पूछ ले कि बिहार खाती भाजपा के विजन का बा। तेजस्वी यादव देश में गठबंधन सरकार बने के दावा कैले बाड़े। तेजस्वी यादव के 300 सीट जीते के दावा। पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद कहलन की भारत गठबंधन के जमानत जब्त हो जाई। इहो दावा कैले बाड़े कि बिहार के 40 में से 40 सीट एनडीए के जाई। नित्यानंद राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के तारीफ करत कहले कि पीएम के नाम अवरी काम के ऐसन असर बा कि सबके प्रधानमंत्री पर विश्वास बा। तुष्टिकरण के राजनीति पर नित्यानंद राय कहले कि इंडिया अलायंस के लालू यादव के कहनाम बा कि ऊ हमरनी के संपत्ति के अपना कब्जा में ले ली है, अवरी ओकरा पर मुसलमान के पहला अधिकार होए। ओबीसी के आरक्षण लेके मुसलमानन के देबे खातिर ऊ लोग भारत गठबंधन का पक्ष में बा।
आरोप लगवलें कि विपक्ष तुष्टिकरण के राजनीति करेला। नित्यानंद राय आगे कहले कि हमनी के बेरोजगारी खत्म, पक के रोजगार के नया अवसर पैदा कर रहल बानी जा। तेजस्वी यादव के निशाना हमेशा से केंद्र में भाजपा सरकार अवुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहल बा। तेजस्वी यादव हर बार प्रधानमंत्री के याद दिलावत बाड़े कि 2019 सरकार से मांग कि प्रधानमंत्री कब आपन पुराण वादा के जवाब दिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह आजुकालहू लोकसभा चुनाव का चलते खबरन में बाड़े। पवन सिंह बिहार के काराकट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता रहे। उन्हों का प्रशंसकण के मानना बा कि पवन सिंह यह चुनाव में आराम से जीत जी हैं। बता दें कि पवन सिंह के पहले भाजपा के टिकट मिल चुकल रहे, लेकिन कवनो कारण से वो टिकट पार्टी के वापस कर दे ले। यही बीच पवन सिंह के ईगो गाना के लेके ईगो रिपोर्ट आयल बा, जवना में बतावल गईल बा कि उनुकरी पुराण गीत यूट्यूब पर इतिहास रचले बा। पवन सिंह के गाना लॉलीपॉप लागेलू से हलचल मच गईल बा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के आवाज में कई साल पहले रिलीज भइल गीत लॉलीपॉप लागेलू यूट्यूब पर इतिहास रचले बा। यह गाना के प्रशंसकण के अतना प्यार मिलल बा कि यूट्यूब पर 22.7 करोड़ व्यूज के आंकड़ा पार कर गईल बा। लॉलीपॉप लागेलू रिलीज भइला के 16 साल से अधिका हो गईल बा। बाकी रेकर सनक आजू लोगन के सिर चढ़कर बोलत दिखाता। यही से 16 साल बाद भी ई गाना यूट्यूब पर हलचल मचलस। बता दी कि पवन सिंह के गाना लॉलीपॉप लागेलू अप्रैल 2007 में रिलीज भेल रहे। हालत ई बा कि जिसे जिसे गीत के उम्र बढ़ल जात बा, लोग के एकर लत लागे लागल बा। यही से इतना साल बाद भी ई गीत प्रशंसक के पसंदीदा बनल बा। ध्यान देवे वाला बात बा कि पवन सिंह बचपन में स्टेज शो करत रहले, लेकिन आज गायक अवुरी अभिनेता के अलावे वो ईगो मशहूर निर्माता अवुरी संगीतकार भी बाड़े। लॉलीपॉप लागेलू के अलावे वो अपना करियर में बहुत सुपरहिट गाना भी दे चुकल बाड़े। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह फिलहाल लोकसभा चुनाव में व्यस्त बाड़े। अभिनेता आ गायक बिहार के काराकट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़त बाड़े। उनुकर प्रशंसक उनुकर बहुत समर्थन करता रे। एकरा से पहले भाजपा पवन सिंह के टिकट दे के आसनसोल से उतार ले रहे, लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार चुनाव लड़े से पीछे हट गईल रहले। अवुरी अब उ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता रे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान के बरका गांव में आयोजित रैली के संबोधित कैले। यहां सीएम नीतीश कुमार युवा से एगो बड़ वादा कैले अवुरी कहले कि 2025 से पहले बिहार में 10 लाख युवा के शिक्षक बनावल जाई। सीएम नीतीश कुमार दावा कैले कि बिहार में सुशासन के संगे हर क्षेत्र में विकास भइल बा, लाखों युवक युवती के नौकरी मिल गईल बा। संघी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जनता के भरोसा देले बाड़े कि साल 2025 में पहले 10 लाख नवहियन के शिक्षक बनावल जाई आ दूसरों क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ावल जाई। सीएम नीतीश अपील कैलन कि पहले एनडीए के उम्मीदवार के वोट दिहल जाव आ साथ ही आपन उपलब्धियन के जनता का सोझा राखल। उ जाति जनगणना के बखान करत बिहार में अपना सरकार के एगो बड़ उपलब्धि के रूप में जनता से पूछले कि का कांग्रेस कबो जाति जनगणना कर सकेले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश रत्न के धरती से जंगल राज के उन्मूलन के उपलब्धि गिनले। सीएम नीतीश कांग्रेस पर कड़ा हमला करत कहले कि ई लोग कबहू जाति के जनगणना नहीं खे कर सकत। सीएम नीतीश कुमार 400 के आंकड़ा पार करे के अपील कैले। उ बैठक में मौजूद लोग से जदयू के उम्मीदवार के वोट देवे के अपील कैले। उ जनता से अपील कैले कि आधा आबादी खाती आरक्षण अवुरी, 7 निश्चय योजना के तहत भइल काम के मत भुलाए। दिल्ली एनसीआर से लेके यूपी बिहार तक पूरा उत्तर भारत में बेहद गर्म बा। राजस्थान पंजाब हरियाणा समेत कई राज्य में गर्मी के लहर के चलते जीवन मुश्किल हो गईल बा। दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम आ आसपास के इलाका में भी भयंकर गर्मी से लोग परेशान बाड़े। दिल्ली में भी गर्मी जिसन हालात बा आ तापमान हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहल बा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश आ बिहार में आजू आवे वाला दिन में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस होखे के उम्मीद बा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अवुरी दिल्ली में गर्मी के लहर जारी बा।
अबुरी अगिला कुछ समय खाती भारी गर्मी रही। इन राज्यन में अभे राहत के कवनों उम्मीद नहीं खे, जबकि कुछ दिन पहले बिहार में भईल भारी बरखा से जनता के समस्या कम हो गई। गर्मी से त्रस्त लोग बरखा के खूब मजा लेत रहे। बिहार के अलग अलग जिला में अलग अलग प्रकार के मौसम प्रबल बा। बाकी राज्य के मुकाबले बिहार में गर्मी तनिका कम बा। मौसम विभाग की ओर से 20 मई से 24 मई बारिश के अलर्ट जारी कईल गईल बा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत 14 जिला में येलो अलर्ट जारी कईल गईल बा। साथ ही सारण, मुंगेर, भागलपुर, बांका, खगड़िया, भोजपुर, बक्सर भभुआ, रोहतास अरवल, औरंगाबाद आ जमुई में दिन के गर्मी के हालात बनल रहल। पश्चिमी हवा से गर्म हवा के चलते पटना समेत जिला के लोग दिन भर परेशान रहे। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई। काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। आपन खूब ध्यान रखल जाए। कल फिर रुआ खाती खबर लेके आयल जाए भोजपुरी भाषा में।